पाप करते थे, ये कराते थे। अब इनका एमएलए चाहे मुन्ना शुक्ला का बीवी हो, मुन्ना शुक्ला मालूम है ना, कलेक्टर हत्या में उसका भी नाम कृष्णैया का है ना, नाम बिल्कुल जी, तो बीवी को टिकट दिया। वो पांडे है, वो पप्पू पांडे गोपालगंज का जी, जी। अभी रामनाथ साहब को गोली समार को उड़ा दिया, दारू व्यवसाय को इनका एमएलए बन गया। वही नहीं, सुनील पांडे जी द ग्रेट किडनैपर, इनका नाका बाल बना हुआ है। तो सारा लोगों ने षड्यंत्र करके, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कॉर्नर से हमको बिहार की जनता से, अब प्रकाश के भाइयों से लेके पिछड़े दबे कुचले लोगों में इन लोगों ने गलत प्रचार करके ये सत्ता में आया, अभी जा रहे हैं लोग तो समझ लालू जी, लालू जी। लेकिन एक चीज है कि आपकी पार्टी में जो रहेंगे बाहुबली उनको बाहुबली नहीं कहेंगे, और जो इनकी पार्टी में बाहुबली आ जाएंगे वो बाहुबली को जनता बिल्कुल रिजेक्ट करते जा रही है, जो भी बाहुबली कहीं भी हो जी, जी। आप देखो उठा करके, आपने सैयद शहाबुद्दीन वगैरह को, पप्पू यादव वगैरह को, बड़े बड़े बाहुबलियों को आपने अपने साथ रखा, जो कई बाहुबली आज इनके साथ है वो कल आपके साथ थे। बाहुबली जो भी हो जी, जी। कानून न्याय अपना है, व्यवस्था है। शहाबुद्दीन जेल में है, उनको सजा हुआ। पप्पू यादव जेल में है, आया था हमारे हमारे पार्टी में आया था। आनंद मोहन फिर इन लोगों को आनंद जेल में, मतलब अभी भी है, फांसी की सजा हुई। तो जो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा तो व्यवस्था है ना, तो यही तो लालू जी ये भी कह रहे हैं ना कि कानून अपना काम करेगा। हमने बाहुबली को कानून काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि गिरफ्तार मत करो लालू जी। क्या पप्पू पांडे को, पप्पू पांडे को निर्देश दिया नीचे पुलिस को, यहाँ का बड़ा पुलिस वाला, अरेस्टिंग मत करो। लालू जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। लालू जी आप लोग देश की राजनीति तय करने वाले लोग हैं। देश की राजनीति मैंने शुरू में ही कहा कि आप जैसे बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। लालू जी क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बाहुबलियों को पार्टी में शामिल ही न करें, टिकट ही न दें, चुनाव ही न लड़ें? अगर टिकट दे भी दोगे तो सबको जनता रिजेक्ट कर रही है। कानून के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी क्यों डालते हैं लालू जी कि आप पार्टी में रखें? जी जी, किसी को नहीं देता, देता भी है वो उनको, जनता एकदम खारिज कर रही है। सारे देश में उठा कर देखिए आप कि कोई इस तरह का बाहुबली या टेरर या कोई भी आदमी जिसको भी जो कहते हैं वो जनता खारिज कर रही है। तो लालू जी जनता खारिज करेगी और कानून अपना काम करेगा, आप लोग भी तो इनको बाहर नहीं देते, हम लोग भी नहीं तो, देते। तो क्या आज आप हमारे सामने ये कह रहे हैं कि आगे से जो भी चुनाव होंगे उसमें राष्ट्रीय जनता दल से कोई भी दागी व्यक्ति, कोई भी बाहुबली, कोई भी जिस पर समाज का ये आरोप होगा कि वो अपराधी, आप उसको टिकट नहीं देंगे? आप बात समझ लीजिए पूरा, फिर क्लियर हो जाएगा दिमाग में। जी जी, बिल्कुल कभी भी कोई दागी को, कोई भी टेरर को, किसी भी आदमी को टिकट हम लोग नहीं दिया राष्ट्रीय जनता दल। आप निकाल के देखिएगा हमारा जो पार्लियामेंट के चुनाव का या असेंबली का चुनाव का, इनका निकाल के देखिए, ये सब इधर से जो भागा या कहीं कोई उपाय नहीं था तो सब जाके वहां सेल्टर लिया नीतीश के यहाँ। अब बीजेपी में, बीजेपी में दोनों में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी पार्टियों में, सभी पार्टियों की बात हम नहीं करते जी, जी। इनकी बात करते हैं, सुशासन बाबू लोग मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा रिजोल्यूशन आज आप लेंगे कि कम से कम आप एक शुरुआत करें? अरे हम तो हमारे सामने कोई बैठता नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। यार रतलाल यादव जेल में बंद है, मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा, 200 लोग यहाँ थे, कौन है रतलाल यादव? यहाँ कैसे टिकट मिल जाएगा? तो चलिए कम से कम एक पॉजिटिव बात आपसे आज निकल रही है कि आरजेडी, पिछली बातें हम नहीं करते, आगे की बात करते हैं। हमारा हमेशा पॉजिटिव बात निकलता रहा, लेकिन ये जो छली लोग है, कहते ना छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, ये छलियों का शिकार हम हुए। एक करे तो पूर्ण, हमारे यहाँ कोई आ गया तो पाप।